दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जिस मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं, उस मूवी का नाम है सिस्टर ऑफ माइन, जिसे 2017 में रिलीज किया गया था। और इस मूवी में आप देखेंगे कि कैसे एक व्यक्ति अपनी सिस्टर के साथ गहराइयों में डूब जाता है और ऐसा वो क्यों करता है और इस मूवी में आगे क्या क्या होता है, ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मूवी शुरुआत होते ही हम देखते हैं एक लेमलन स्वामी को, जिसमें रात काफी ज्यादा हो चुकी है और रात के समय में अकेले खाली बैठे इंसान उसका क्या ही मन करेगा, ये तो आप बखूबी समझ सकते ही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेमलन स्वामी अपने बढ़ते हार्मोन की वजह से काफी परेशानी में रहते हैं और अपने उछाल मार रहे हार्मोन को रोकने के लिए ये अपने लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और फिर वो अपने एक हाथ से लैपटॉप को संभालते हैं और दूसरे हाथ से अपने बंटी को, और लैपटॉप में ये सारी चीजों को देखकर ये इतने ज्यादा लीन हो जाते हैं कि वो एक एक करके सारी साइटों को ओपन करना चालू कर देते हैं। लेकिन इसके बीच उनके सामने एक ऐसा वीडियो आता है। दोस्तों इस वीडियो में जो एक्ट्रेस थी वो कोई और नहीं बल्कि इनके खुद की सिस्टर पुच्ची कली थी, और लेमलन स्वामी पहली बार पुच्ची कली को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं। लेकिन उसके कुछ सेकंड के बाद ही मुन्नू ने उसे चुन लिया। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस व्यक्ति के पास हवस की प्यास कितनी कूट कूट के भरी पड़ी है, और भाई तो अगले ही दिन निकल पड़ते हैं उसके शहर की ओर, और वो पहली बार अपने टांगों के बीच का नहीं बल्कि वो अपने दो कानों का इस्तेमाल करते हैं और उसका इस्तेमाल करके ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर घर गए तो उसे फैमिली के साथ रहना पड़ेगा और फैमिली के साथ रहेंगे तो उसके मुन्नू की इच्छा को पूरा कौन करेगा। और पुच्ची कली के हॉस्टल के पास ही वो रूम रेंट पर एक रूम ले लेते हैं और वो एक दिन जानबूझकर अचानक से मुलाकात करते हैं, और स्टार्टिंग में पुच्ची कली तो उसे पहचान ही नहीं पाती क्योंकि भाई तो यहाँ पर दाढ़ी वाढ़ी बढ़ा करके कबीर सिंह के लुक में पूरी तरह से रहते हैं, और फिलहाल तो इनके पास आत्मा भी कबीर सिंह वाली ही है। लेकिन कुछ देर के बाद सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाती है और पुच्ची कली उसे घर जाने के लिए कहती है। लेकिन यहाँ पर लेमलन स्वामी पुच्ची कली से कहते हैं कि वो बिजनेस पर्पस के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और घर जाने के लिए टाइम नहीं है, और ये बोल करके फिलहाल वहाँ से वो चला जाता है। लेकिन उसके अगले ही दिन पुच्ची कली के कहने से पहुँच जाता है वो अपने फैमिली के पास, और यहाँ पर हम देखते हैं कि पुच्ची कली की माता जी और लेमलन स्वामी और पुच्ची कली साथ में लंच कर रहे होते हैं, और हमें ये पता चलता है कि लेमलन स्वामी काफी सालों के बाद घर आए हैं और उसकी मॉम के दिमाग में थोड़ा बहुत शक उत्पन्न होता है कि ये इतने सालों के बाद घर आकर आखिर करने क्या आया है। वैसे तो कभी भी घर नहीं आता था क्योंकि दोस्तों जो लेमलन स्वामी है वो अपनी हरकतों की वजह से वो अपनी फैमिली से दूर ही रहते थे। खैर कि जब इतने सालों के बाद ये घर आया है तो उसे पूरे घर का सैर कराया जाता है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि भैया जी ने चुपके से पुच्ची कली के रूम में एक कैमरा फिट कर दिया है, जिसके बाद वो अपने रूम से उनके कमरे की लाइव रिपोर्टिंग लेते रहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने देखा कि उनके पास एक बॉक्स आया है, और ये बॉक्स किसी और ने नहीं भेजा था बल्कि अपने ही लेमलन स्वामी ने उसके पास भेजा था। और पुच्ची कली जब उस बॉक्स को ओपन करती है तो उस बॉक्स के अंदर बहुत ही छोटे छोटे गच्छियाँ थी। एक्चुअली दोस्तों लेमलन स्वामी पुच्ची कली को उन छोटे छोटे कपड़ों में देखना चाहते थे, और पुच्ची कली को ऐसा प्रतीत होता है कि वो बॉक्स उनके बॉयफ्रेंड ने भेजा होगा और इन सारी बातों को ज्यादा माइंड नहीं करती। खैर कि उसके अगले दिन ही जब वो कैमरे से उसकी निगरानी कर रहा था, तब लेमलन स्वामी ने एक बात नोटिस की कि जो पुच्ची कली है वो अब अपने बॉयफ्रेंड के साथ कंफर्टेबल नहीं है, और उनके बीच में वो सारी चीजें नहीं रही, मतलब कि ठंड के मौसम में दिन ही छोटे नहीं हुए, शायद बाबू का बंटी भी। उसके बाद उसी रात जब पुच्ची कली अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में जाती है तो यहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता, तो उसे वहाँ पर कुछ खास मजा नहीं आ रहा था। और यहाँ पर लेमलन स्वामी को पता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में गई है, और लेमलन स्वामी कॉल करके बुला लेता है अपने पार्टी में, और वैसे भी पुच्ची कली अपने बॉयफ्रेंड के साथ पार्टी में बोर हो रही थी तो वो उसके पार्टी में शामिल हो जाती है। और यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं कि पार्टी तो काफी ज्यादा हाई है, यहाँ पर आपको हर प्रकार का नशेड़ी देखने को मिल जाएगा, चाहे वो मनाली का गांजा फूकता हो या फिर कहीं जगह का कंडा फूकता हो। और यहाँ पर हम नोटिस करते हैं पार्टीज के शोरगुल में आकर के नशे में टल्ली होने की वजह से लेमलन स्वामी और पुच्ची कली एक दूसरे के पुच्ची लेने लगते हैं। लेकिन इतने में ही पुच्ची कली पता नहीं कैसे पुच्ची कली को अपने आदर्श और मर्यादा का आभास होने लगता है, और उसी दौरान वो रुक जाती है, और यहीं पर आप मिस कर देते हैं बहुत ही जबरदस्त वाला घपा घप का सीन। खैर कि यहाँ पर फिलहाल मिस हो गया, लेकिन आगे कुछ ही देर में आने वाला है। उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि पुच्ची कली खुद से ही लेमलन स्वामी के घर पर आ जाती है, और यहाँ पर वो उससे
मिलने के लिए आई है, लेकिन लिम्रन स्वामी तो यहाँ पर नहाते नहाते हिलाने में बिजी थे। जैसे ही वो वहाँ पर आती है तो वो उसे बाहर निकलकर वेट करने के लिए कहते हैं। और यहाँ पर जब पुचिकली वेट कर रही थी तो उसकी नजर जाती है पास पड़ी एक कैमरे पर, और जब पुचिकली उस कैमरे को ओपन करती है तो उसे एक BDSM दिखाई देता है, और इसे वो देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा कुछ बात नहीं करती। और कुछ ही देर के बाद ही लिम्रन स्वामी भी बाहर आ जाता है और ये दोनों साथ में जाते हैं बाहर डिनर करने के लिए। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये लोग तो घर पर भी जा सकते थे, पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बनाने के नाम पर लिम्रन स्वामी को सिर्फ घोड़ी बनाने आता है, और इसीलिए पुचिकली को बाहर ले गए खाना खिलाने के लिए। और यहाँ पर उनकी बातें स्टार्ट होती है करियर इंटेंशन से, लेकिन पहुँच जाती है टप्पा टप के पास, जिसमें उनके अपनी पुचिकली बताती है कि उसने एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेलम पाली कार्यक्रम का एक वीडियो बनवाई थी। लेकिन यहाँ पर हम जान पा रहे हैं कि पुचिकली को नहीं पता कि वो वीडियो इस समय इंटरनेट के घरों में तहलका मचा रही है। और यहीं पर बातों ही बातों में अपनी पुचिकली पूछ लेती है लिम्रन स्वामी से कि तुम्हारे ही कैमरे पर मैंने तुम्हारी BDSM देखी थी। और इसी बीच लिम्रन स्वामी उसे क्लियर करता है, हाँ वो उसने उसकी एक्स के साथ बनवाई थी, क्योंकि जो उसकी एक्स थी उसे BDSM काफी ज्यादा पसंद था। खैर कि लिम्रन स्वामी इसके बाद उससे कहता है कि तुम्हारी जो वीडियो बनी थी तुमने मुझे नहीं दिखाई, जिस पर पुचिकली लिम्रन स्वामी से कहती है कि वो वीडियो खुद मेरे पास भी नहीं है और हम लोगों ने उसे डिलीट कर दिया था। खैर कि इसके बाद वो सीधा घर जाता है और पुचिकली को सारी बातें बता देता है और सारी रिकॉर्डिंग पुचिकली को दिखा देता है जो उसने स्पाई कैमरे से रिकॉर्ड किया था। और ये देखकर पुचिकली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और पुचिकली लिम्रन स्वामी से कहती है कि ये क्या बेहुदा मजाक है। और इस पर लिम्रन स्वामी कहता है कि मुझे तुम्हें देखना पसंद है, तो पुचिकली ने कहा कि ठीक है मुझे देखना पसंद है, तो क्या तुम मुझे फव्वारे बहाते हुए भी देखोगे क्या। दोस्तों यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि पुचिकली को कितना ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन लिम्रन स्वामी उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे मानो कि उसने ये सारी चीजें इसीलिए किया है क्योंकि उसे वो पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर पुचिकली को बहुत ही अच्छे से पता है कि वो दोनों सिस्टर और ब्रदर हैं, और इसी वजह से पुचिकली ये सारी चीजें कुछ भी नहीं चाहती थी और वो वहाँ से चली जाती है। दोस्तों उसके घर जाने के बाद हम देखते हैं कि पुचिकली ऑलरेडी बहुत ही गीली हो चुकी है, मतलब कि उसने हामी भर दी है लिम्रन स्वामी की एंट्री के लिए। और यहाँ पर रात में वो अपनी बॉयफ्रेंड को कॉल करती है पेलम पाली कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि पुचिकली को ये बात पता है कि उसके कमरे में एक स्पाई कैमरा लगा हुआ है, और वो जानबूझकर लिम्रन स्वामी को दिखाने के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ पेलम पालम के कार्यक्रम करती है। फिलहाल तो भैया जी अपने रूम पर रगड़म कार्यक्रम करके काम चला लेते हैं। लेकिन दोस्तों उसके अगले ही दिन हम देखते हैं कि जब वो लोग एक पिकनिक में गए थे तो लिम्रन स्वामी उसे फॉलो करते करते उस पिकनिक पर पहुंच जाते हैं, और फिर वो दोनों जंगल में मंगल का कार्यक्रम करते हैं। और लिम्रन स्वामी के इस कार्यक्रम को उसके बॉयफ्रेंड ने भी साफ साफ झाड़ियों में छुप करके देखा था, जिस वजह से वो फौरन वहां से चला जाता है और घर जाके अपने सासू माँ को सारी बातें बता देता है। खैर कि यहाँ पर जो इनका जंगल में मंगल का कार्यक्रम था वो इतना ज्यादा लंबा होता है कि पूरी रात बीत जाती है। और रात में जब ये लोग पानी पानी हो गए तो पुचिकली घर वापस आती है, और यहाँ पर उसकी मम्मी को सारी बातें पता होती है। और जैसे ही वो घर के अंदर आती है उसकी मम्मी पुचिकली की चोटी घींच घींच कर नाली में घसीट घसीट कर मारती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने सारा कुछ पहले ही बता दिया था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो उसका बॉयफ्रेंड था वो गुस्से में आकर लिम्रन स्वामी के गोटे काट देता है, और उसके बाद से ही पुचिकली को घर से बाहर निकलना मना हो जाता है, और तो और उसके फोन को भी छीन लिया जाता है। यहाँ पर लिम्रन स्वामी उससे कॉन्टेक्ट करने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसका कॉल वो रिसीव ही नहीं कर पाती, और लिम्रन स्वामी को कॉल उसके मॉम उठाती है और उससे दूर रहने की सलाह देती है। दूसरी तरफ हम पुचिकली को साफ साफ देख पा रहे हैं, जिसे अब सचमुच टूरू लव हो गया है, और वो अब लिम्रन स्वामी को काफी मिस करती है। और इसी के बीच जब वो एक बार अपनी मॉम के साथ कहीं घूमने के लिए जा रही थी तो उसी बीच पुचिकली कार से बाहर निकल करके चली जाती है अपने बाबू के पास। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका बाबू उसके ही फ्रेंड से पूछ रहा है क्या और दाबू, और ये सारी चीजों को देखकर पुचिकली का दिल टूट टूट जाता है, जैसे किसी के पापा अपने बेटे को सिगरेट पीते देखकर उसकी टांग तोड़ते हैं। और यहाँ पर फाइनली पुचिकली को ये रियलाइज हो जाता है कि मेरा बाबू मेरे दिल की धड़कनें सुनता है, लेकिन असल में वो धड़कनें नहीं सुना करता था, वो तो बस अपने निचोड़न कार्यक्रम में लगा रहता था। जिसके बाद पुचिकली बहुत ही ज्यादा दुखी होकर के वो अपने घर वापस लौट आती है। और दोस्तों उसके कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि लिम्रन स्वामी के नाम पर एक लेटर आया है, और लिम्रन स्वामी उस लेटर को ओपन करता है जिसके अंदर निकलता है कुछ बाल, और बाल को देख करके वो थोड़ा दुखी होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो पुचिकली है वो टपा टप के कार्यक्रम को इंटरनेट पर देख रही है, और ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे।